हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हूँ। आज हमारे साथ माल्टा में हमारे इंडियन भाई जो कि स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। सो काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट था कि भाई स्टूडेंट के बारे में बताएं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं या नहीं, और क्या आप अपने स्टूडेंट वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हैं कि नहीं, और यहाँ पे स्टडी करने में क्या खर्च आता है, और कुछ कॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो भाई का नाम है अंशु और इनका ऑलरेडी एक चैनल है यूट्यूब पे जो कि बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं और काफ़ी सारे लोग इनको लाइक करते हैं। तो जो लोग भी इनसे कांटेक्ट में आना चाहते हैं, मैं डिस्प्ले पे इनका यूट्यूब का चैनल नेम और इनके एक वीडियो का लिंक डाल रहा हूँ, आप लोग उनको सब्सक्राइब कर लें और इनके साथ जुड़ें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और मैं इनसे पूछता हूँ। सबसे पहला सवाल होगा इनके साथ मेरा कि क्या माल्टा में जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं क्या वो उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हैं? अगर आप इंडिया से आते हो माल्टा में स्टडी वीज़ा पे, तो अगर आप स्टडी वीज़ा पे हो तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है कि आप स्टडी पे आ रहे हो, ठीक है, एक 1 ईयर की या 2 ईयर की स्टडी पे आप आते हो, फिर आप कन्वर्ट कर देते हो वर्क परमिट पे, तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। हाँ, एक केस पे होता है कि अगर आप यहाँ पे आए हो, आप कोर्स छोड़ना चाहते हो कि मेरे को ये कोर्स नहीं करना चाहते हो, तो फिर आप कॉलेज से लेटर लिख के ले सकते हो कि कॉलेज वाले बोलेंगे कि हाँ, हम यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि आप कोर्स छोड़ दो। देन उसके बाद आप कॉलेज से मिल के उनको बोल सकते हो कि मेरा वर्क परमिट जो है वो नहीं होगा। तो इस केस में ऐसा होता है कि अदरवाइज़ आप वर्क पर स्टूडेंट वीज़ा पे हो, अदरवाइज़ आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते वर्क परमिट में। और जॉब की बात की जाए तो 20 घंटा जॉब मिलता है, 20 घंटा मिलता है हफ्ते का स्टूडेंट वीज़ा पे। यानी कि स्टूडेंट वीज़ा पे जो लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग पार्ट टाइम में, हाँ पार्ट टाइम में वो 20 घंटे जॉब कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर एम्प्लॉयर आपको एक्स्ट्रा जॉब दे रहा है तो वो आपको कैश पे देगा, मतलब ऑनलाइन जॉब प्लस पे नहीं होगा वो। हाँ, जॉब प्लस पे रजिस्टर नहीं होगी आप, तो कैश पे आप काम कर सकते हो उससे, मतलब 30 घंटा भी काम कर सकते हो। करना नहीं चाहिए, अगर आप पकड़े गए तो आपको सीधा डिवोर्ट कर देंगे वो, तो ये बात ध्यान में रखना होगा जो लोग भी माल्टा स्टडी वीज़ा पे आके जॉब करना चाहते हैं। और आप क्या यहाँ के कुछ कॉलेज के बारे में बताएंगे, और कुछ लोगों को ये भी जानकारी चाहिए कि माल्टा में अगर कोई पढ़ाई करने के लिए आता है तो कॉलेज की फ़ीस क्या होती है और क्या सिस्टम कुछ ये सब? तो कॉलेज की बात करते हैं तो कॉलेज यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलेज हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा है, फिर आइडिया एकेडमी है, फिर आपका एमकॉस कॉलेज है जो कि, तो मैं एमकॉस में पढ़ता हूँ, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, एमबीए कर रहा हूँ, फाइनेंस में कर रहा हूँ एमबीए। तो वहाँ पे क्या रहता है कि जो फीस जो रहती है वो 7 से 8 लाख रुपया रहती है पर साल की जो फीस रहती है। और एमकॉस कॉलेज भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है और आप अप्लाई कर सकते हो, अच्छा कॉलेज है। और भी काफ़ी सारे कॉलेज हैं जैसे कि अपेक कॉलेज है, फिर आइडिया एकेडमी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा है, तो साल का इनकी फ़ीस इतनी रहती है, 7 से 8 लाख रुपये पर साल की रहती है। अच्छा, एक सवाल और मेरा है आपसे कि माल्टा का जो स्टडी वीज़ा लेने का क्या प्रोसेस है, इसके बारे में थोड़ा आप बता दें। स्टडी वीज़ा लेने के लिए आप सिंपली ये कर सकते हो कि कॉलेज की पहले तो एक लिस्ट बना लो, गूगल पे सर्च करो कि कौन कौन से कॉलेज हैं माल्टा में, देन उसके बाद आप इनकी जीमेल पे, इनके वेबसाइट पे चले जाओ, फिर नीचे जाके इनकी वेबसाइट्स होंगी, ठीक है, इनके जीमेल्स होंगी, वहाँ पे आप क्लिक करो, वहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए आप इनको रिक्वेस्ट डाल दो कि हाँ मुझे इस कोर्स की, जो भी आपने कोर्स करना है उसकी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो उनसे, कॉलेज से डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हो उनको। फिर कॉल करने के बाद आप क्या कर सकते हो, फिर आपने क्या करना है, इनको डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं कॉलेज वालों को, डॉक्यूमेंट जब सेंड करोगे वहाँ से ये रिप्लाई देंगे, फिर एक्सेप्टेंस लेटर आएगा आपका, एक्सेप्टेंस लेटर आने के बाद आप इनको डायरेक्ट फीस सेंड कर दो कॉलेज को। कुछ कुछ कॉलेज में क्या होता है कि फ़ीस पहले जाती है, कुछ कॉलेज में बाद में जाती है फीस, तो ऐसा डरना नहीं कि हाँ मैं पैसे दे दूँगा तो कॉलेज वाले कुछ, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा, एमकॉस आ गई, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कॉलेज है, वहाँ पे आप अप्लाई कर दो, ठीक है, फीस वगैरह सेंड कर दो इनको, देन उसके बाद ये आपको अपॉइंटमेंट, कॉलेज वाले खुद आपको अपॉइंटमेंट देंगे VSF में, फिर आपने VSF में जाना है, फिर
अप्लाई करना है, देन उसके बाद आप उसके बाद आपको ये फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर देते हैं, उसी फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर पे आप ट्रैवल कर सकते हो माल्टा में। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप तो इंडिया से आए हैं, तो इंडिया से माल्टा स्टूडेंट वीज़ा पे आने पर टोटल कितना खर्चा लग जाता है? टोटल देखो, ये डिपेंड करता है कोर्स पे। अगर आप ग्रेजुएशन का कोर्स लेते हो तो आपका पहुंच जाता है 8 से 10 लाख के बीच बीच। अगर आप कोई बड़ा कोर्स लेते हो तो वो 15 तक चले जाता है 1 ईयर का। अच्छा, बस इतनी फीस रहती है इनकी, इससे ज़्यादा नहीं रहती। तो आप आ सकते हो विदाउट किसी एजेंट को, मतलब पैसे दिए बिना पैसे दिए हुए, किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आ सकते हो, कॉलेज से बात कर सकते हो, डायरेक्ट उनको मेल कर सकते हो, देन उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हो। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। तो जो लोग भी स्टूडेंट वीज़ा पे ट्राई करना चाहते हैं माल्टा के लिए, तो भाई ने जो इन्फॉर्मेशन दिया ये मेरे को लगता है कि सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन था ये, क्योंकि बहुत से लोग किसी एजेंसी के पास जाते हैं जहाँ पे 20 लाख 25 लाख रुपये भी देते हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए, लेकिन ये आपको देना नहीं पड़ेगा। आप जैसे भाई ने बताया वैसे आप ट्राई करें। ये भाई भी एक और चीज़ थी, कुछ लोग ना ऑफर लेटर के लिए फीस मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, काफ़ी सारे वो हैं एजेंट हैं ना, वो बोलते हैं कि आप 10,000 दे दो ऑफ़र लेटर के लिए। तो ऑफ़र लेटर के लिए क्या होता है कि जो कॉलेज का ऑफ़र लेटर रहता है उसमें किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज वाले फ्री प्रोवाइड करते हैं ऑफ़र लेटर। ऑफ़र लेटर के बाद आपके पूरे डिटेल लिखी रहती है कि आपका कोर्स, ये कोर्स है आपका और इसकी इतनी फीस है, ये वगैरह रहता है। तो 10,000 देने की ज़रूरत नहीं है किसी को। तो फाइनली इन्होंने सारा जानकारी दे दिया है, और जिन लोगों को इनसे पर्सनल में बात करना है या फिर इनके पर्सनल यूट्यूब चैनल पे जाके इनके सारे वीडियो को देखना है, नाम मैं डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप डायरेक्ट इनके चैनल पे जाएं, इनको सब्सक्राइब करें और इनको फॉलो करें, और काफ़ी सारा इनका वीडियो ब्लॉग्स भी है, तो माल्टा के लिए बहुत सारे वीडियो इन्होंने बनाया है। तो इनके साथ आप जुड़ें, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनको भी प्यार देंगे हमारे तरह। और सभी सब्सक्राइबर को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि हमारे चैनल पे 20,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हेल्प करूं बंदों का। तो फिलहाल मैं ट्राई कर रहा हूं और जितना अपने से बनेगा हम लोग करेंगे। और अगर आप लोग का कोई भी सवाल है, अगर स्टूडेंट वीज़ा के रिलेटिव सवाल है, तो भाई से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक और डिस्प्ले पर नाम दिया हुआ है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो से आप लोग को बहुत हेल्प मिला होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए। I got broads in the line, just at the lean the family, credit cards in the scams, hitting the